चूड़धार के रास्ते में फंसी हुए सिटीजन बहनों को प्रशासन ने एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के माध्यम से किया रेस्क्यू। अमेरिकन एम्बेसी व डीसी सिरमौर के निर्देशों के बाद मेडिकल तथा एसडीआरएफ टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे एसडीएम संगड़ा व डीएसपी। कल से चूड़धार के तीसरी नामक आखिरी बेस कैंप पर फंसी ऋषभ व सोनिया को आज सुबह चीता हेलीकॉप्टर ने किया एयरलिफ्ट। उल्टियत व डिहाइड्रेशन के चलते चलने फिरने में असमर्थ एक महिला की अब चंडीगढ़ में सामान्य बताई जा रही है हालत। एसडीएम संगड़ा ने चूड़धार जाने वाली यात्रियों के लिए जारी की पुलिस में रजिस्ट्रेशन करवाने व मेडिकल चेकअप करने संबंधी एडवाइजरी। नौहराधार से आज से ही शुरू हो गया चूड़धार के यात्रियों के रजिस्ट्रेशन का काम। 8.5 करोड़ की लागत से चूड़धार के आधे रास्ते तक भरे नौहराधार चापधार मार्ग पर जा सकती है छोटी गाड़ियां। हिमाचल के प्रमुख धार्मिक स्थल चूड़धार के रास्ते में कल तबीयत खराब होने से फंसी दो अमेरिकन नागरिक भारतीय मूल की बहनों को आज सुबह एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडियन एयरफोर्स के चीता हेलीकॉप्टर के माध्यम से एयरलिफ्ट किया। सुबह करीब 6:30 बजे दोनों बहनों को जानकारी के अनुसार जंगल से सीधा चंडीगढ़ पहुंचाया गया, जहां बीमार हुई लड़कियां तो महिला की तबीयत फिलहाल ठीक बताई जा रही है। ऋषभ व सोनिया रतन नामक भारतीय मूल की नीवा सिटीजन ने बताया कि वह किसी लोकल ट्रेवलिंग एजेंट के माध्यम से चूड़धार के लिए निकली थी और रास्ते में फंसने पर एजेंट को फोन किए जाने पर उन्होंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अथवा यूएस एम्बेसी में कॉन्टेक्ट करने को कहा। बताया जा रहा है कि यूएस एम्बेसी द्वारा डीसी सिरमौर सुमित खीमटा से संपर्क किया गया, जिसके बाद उपायुक्त के निर्देशानुसार एसडीएम संगड़ा सुनील कायथ व डीएसपी संगड़ा मुकेश डडवाल मेडिकल टीम व एसडीआरएफ के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि कल एयरफोर्स को देरी से सूचना मिलने के चलते शाम को एक अस्थायी ढाबे में रुकी इन महिलाओं के लिए चौपर नहीं भेजा जा सका और आज सुबह करीब 6:30 बजे रोशनी होते ही इन्हें एयरलिफ्ट किया गया। गौरतलब है कि 3 दिन की छुट्टी के चलते कल से हर रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु चूड़धार पहुँच रहे हैं और आज कल के मुकाबले काफी ज्यादा भीड़ देखी गई। कल देर रात 10 बजे से 2 बजे तक भी नाहन व संगड़ा होकर सैकड़ों लोग चूड़धार यात्रा के लिए नौराधार पहुंचे और रात करीब 2 बजे तक संगड़ा में भी पुलिस कर्मियों द्वारा चूड़धार जाने वालों के नाम नोट किए गए। एसडीएम संगड़ा द्वारा आज चूड़धार जाने वाले यात्रियों के लिए नौराधार में मेडिकल चेकअप करवाने व पुलिस चौकी में अपना नाम पता लिखवाने अथवा रजिस्ट्रेशन संबंधी एडवाइजरी जारी की गई है। भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक ऋषभ व सोनिया के रेस्क्यू की पुष्टि करते हुए एसडीएम सुनील कायत ने कहा कि रात के समय चूड़धार यात्रा पर पहले ही प्रतिबंध है। स्थानीय लोगों ने बताया कि करीब 8.5 करोड़ की लागत से पिछले 3 साल से निर्माणाधीन नौराधार चापधार मार्ग पर 7 किलोमीटर तक गाड़ियां जा सकती है। हालांकि बाहर से आने वाले लोगों को इस बात की जानकारी न होने व रोड पास न होने के चलते लोग करीब 16 किलोमीटर की पूरी यात्रा ही पैदल कर रहे हैं। बहरहाल चूड़धार के तीसरी नामक आखिरी बेस कैंप पर फंसी युवा सिटीजन दोनों बहनों को रेस्क्यू किया जा चुका है और रात के समय यदि यहां इन्हें मौजूद अस्थायी ढाबे में शरण न मिली होती तो इनकी जान के लिए खतरा भी हो सकता था। सिस्टर है यहां पे और हम चूड़धार पीक के बेस कैंप नंबर 3 पे हैं और आज दोपहर के 12 बजे से हमारी सिस्टर की तबीयत खराब है। इनको नॉन स्टॉप उल्टियाँ लगी हुई हैं, ये कम्प्लीटली डिहाइड्रेटेड है, इनका हार्ट बीट स्किप है और पल्स बहुत ही स्लो है। हमने ये इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे लोकल कोई ट्रैकिंग कंपनी के थ्रू आए हैं और हमने उनकी रेस्क्यू टीम को ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाई थी। उन्होंने बाकी सारी जो भी यहाँ पे लोकल अथॉरिटीज़ हैं उन सबको कॉन्टैक्ट किया और हमको बोला गया कि हमें अमेरिकन एम्बेसी को कांटेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये अमेरिकन सिटीजन है। तो इंडियन गवर्नमेंट को कुछ भी करने के लिए अमेरिकन एम्बेसी से पहले अप्रूवल चाहिए। अमेरिकन एम्बेसी ने फोन कर दिया था।